जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने एक वीडियो बनानी थी। ये हमारे पास PS4 गेम पैड कंट्रोलर जो है डुअल शॉक 4, इसका हमारे पास जो हाउसिंग शेल ये अवेलेबल है, ये आपको दराज स्टोर से मिल जाता है। तो अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ ब्लैक कलर में है। तो कलर अगर अवेलेबल होंगे तो वो आपको दराज ऐप पर ऑनलाइन आपको शो हो जाएंगे, वो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। अगर तो स्टॉक में अवेलेबल आपको नज़र आ रहे हैं हमारे दराज स्टोर पे, दराज पे हमारा स्टोर है SAL जॉय आर्केड, तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अक्सर जो है हमारे कस्टमर्स वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पैकेज में हमारे पास क्या इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ हमें मिलेगी। तो ये इसकी एक तरह की अनबॉक्सिंग कह लें। ये मैं आपको पैकेज जो है वो खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। जी ये PS4 कंट्रोलर, ये इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पैकेज में चार ये स्क्रू भी इंक्लूडेड है जो आपको इसके साथ ही नज़र आ रहे हैं। इसकी प्राइस जो है वो आपको दराज स्टोर पे ही नज़र आ जाएगी। प्राइस अप डाउन थोड़ी बहुत होती रहती है मार्केट के हिसाब से। ये जी ये ओपन कर लिया। इसमें एक तो आपको ये बैग मिल जाती है, बैग में ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो लाइट बार है उसका पूरा सेटअप अवेलेबल है। ये हमारे पास जो लाइट बार है और उसकी फिटिंग की जो अरेंजमेंट्स हैं ये सारी अवेलेबल हैं। एक ये स्क्रू भी लगा हुआ है जो यहाँ पे चार्जिंग स्ट्रिप को एडजस्ट करने के लिए है। तो ये हमारा पैकेज इस तरह अवेलेबल है, ये यहाँ पे इस तरह लगा दिया जी। लें जी, ये इसकी बैक जो है वो इसमें ये अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद कंट्रोलर के अंदर आपको ये थंब स्टिक्स भी मिल जाती हैं। चले पूरा ही खुल गया कंट्रोलर, एक्सीडेंटली पूरा ही खुल गया जी। थंब स्टिक्स का मैं बात कर रहा था, तो थंब स्टिक्स हैं इसके साथ, इस ये पैकेज के साथ आपको मिल जाती हैं, तो आप ये इसकी भी टेंशन नहीं। ये टच पैड असल में है नहीं, सिर्फ ये उसका कह लें कि सिर्फ वहाँ पे लगाया हुआ है। ये टच पैड नहीं है, ये वैसे ही है, मतलब ये आपके काम नहीं आएगा। फिर ये सारे बटन्स इसमें सारे इंक्लूडेड हैं, ये इस पैकेज में जितने भी बटन इसमें यूज़ होते हैं। ये आपका ये सॉफ्ट जो कार्बन बटन है जो आगे प्रेस होते हैं कनेक्टिविटी के लिए PCB के ऊपर, ये अवेलेबल है इसमें। और ये फ्रंट में आपको ये अरेंजमेंट नज़र आ गई है। अब इसकी एक जैसे मोबाइल की हड्डी कहते हैं ना मेन बेस, उस तरह ये एक चीज़ है। इसमें ये आपको ये भी मिल जाता है कार्बन पेपर कह लें, कार्बन शीट कह लें, जो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा आपको वाइब्रेशन मोटर्स मिल जाती हैं, दो वाइब्रेशन मोटर्स भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है। लेकिन यही है इस पैकेज में, यही मेन चीज़ें L1 L2 R1 R2, ये दोनों जो इसकी कीज़ हैं वो भी साथ ही लगी हुई हैं। तो सस्ता सा पैकेज है ये, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत जो अभी तक जा रही है वो 1000 है। तो 1000 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ है, ये आपको लेनी चाहिए। तो
यहीं अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बस आपको एक्सेसरीज़ दिखानी थी कि इस पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।